आज हम सुबह का नाश्ता और बच्चों के टिफिन के लिए एक बहुत ही नए तरीके से स्वादिष्ट और चटपटा नाश्ता बना करके तैयार करेंगे जो बच्चों को खास तौर से बहुत ही पसंद आएगा तो नमस्कार पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप आटा लिया है ये वही आटा है जो कि हम रोटी बना करके तैयार करते हैं इस आटे को हम प्रात में डाल देते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच इतना नमक डाल देते हैं तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना अजवाइन डाल देते हैं अजवाइन को इस तरह से हाथ में मसल करके डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दो पिन जितना इसमें हम हल्दी डाल देते हैं हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और लगभग एक टेबल स्पून जितना इसमें हरा धनिया डाल देते हैं ये सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालनी और सबको एक बार मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंध लेंगे जैसे हम रोटी का आटा गूंध करके तैयार करते हैं उसी तरह से हमें आटा गूंध के तैयार करना है इस तरह से जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमने आटा गूंध करके तैयार कर लिया इतना आटा गूँधने में लगभग हमारे आधा कप और एक टेबल स्पून जितना पानी लगा है ये आटा हमारा इस तरह से घूम के तैयार हो गया है अभी इस आटे को हम साइड में रख देंगे और एक पैन के अंदर एक टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे और गैस को चालू कर देंगे अभी तेल हमारा गर्म हो गया है तेल गर्म होने के बाद में इसमें एक छोटा चम्मच जितना चना दाल डाल देंगे और एक छोटा चम्मच जितना ही उड़द दाल डाल देंगे इनको हम अच्छे तरह से पका लेंगे आँच को इस समय हमें धीरे कर लेना है धीरे आँच में ये बहुत ही अच्छे पक्के तैयार होंगे इसी के साथ इसमें हम आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे जीरा भी इसके साथ में पक जाएगा अभी सभी चीजें अच्छे से भुन के तैयार हो गई है अभी इसमें हम आठ दस कड़ी पत्ते डाल देंगे इसी के साथ मैंने पांच हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने बीच में से काट लिया है ये भी इसमें डाल देंगे मिर्ची को हमेशा आप काट करके डालें और गैस को अभी हम धीरे कर लेंगे अभी मैंने एक चुकंदर लिया है जिसको मैंने साफ धो करके छील लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ा में मैंने काट लिया है ये इसमें डाल देंगे इसी के साथ मैंने एक टमाटर लिया है जिसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है ये भी इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून जितनी मैंने इमली ली है इमली की खटाई इसमें बहुत ही अच्छी लगती है ये बीस में डाल देंगे इमली आप चेक करके ले इसमें कोई तरह का बीज वगैरह नहीं रहना चाहिए इसी के साथ मैंने एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है ये बीस में डाल देंगे आखिर में इसमें हम अभी आधे कप जितना पानी डाल देंगे आज को इस समय हम तेज कर लेंगे और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी पानी में हमारे उबाल आ गए है एक छोटा चम्मच जितना इसमें हम नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं आज को इस समय हम थोड़ा धीरे कर लेंगे इसको 10 मिनट तक हम ढक्कन लगा करके पका लेंगे 10 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अभी इसको पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है 10 मिनट में इसका पानी काफी कम पड़ गया है और सभी चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है टमाटर तो पूरे गल गए हैं मिर्ची वगैरह सभी सॉफ्ट हो गए हैं अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा करके इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे इस चीज का आप ध्यान रखें ठंडा करने के बाद में डालें गरम गरम नहीं डालना है अभी इसको अच्छी तरह से पीसने के लिए इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे अभी इसको हम खोल करके देख लेते हैं अभी तक ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है अभी इसमें हल्का सा मीठा टेस्ट देने के लिए इसमें एक टेबल स्पून जितनी शक्कर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल देंगे लगभग दो टेबल स्पून जितना पानी मैंने और डाल दिया है और इसको पीस लेंगे अभी इसको हम खोल करके देख लेते हैं ये बहुत ही अच्छा सा पीस करके तैयार हुआ है इस तरह से स्मूथ हो जाना चाहिए अभी इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से रहनी चाहिए कुल मिलाकर इसको पीसने में लगभग मेरे थ्री फोर्थ कप जितना पानी लगा है अभी हमने एक पैन लिया है इसमें एक टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे और गैस को चालू कर देंगे अभी तेल हमारा गर्म हो गया है अभी इसमें हम आधा छोटा चम्मच जितना राई डाल देंगे और पाँच सात कड़ी पत्ता डाल देंगे और दो पिन जितना हींग डाल देंगे हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा और एक साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे राई भी चटक गई है और सभी चीजें अच्छे से पक गई है अभी गैस को बंद कर देंगे अभी चौक को इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से हमारे बीट रूट की चटनी बन करके तैयार हो गई है ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है आप अपने घर में बना करके देखे आपको बहुत पसंद आएगी ये चटनी आप पूड़ी पकौड़ा या समोसा कचौरी किसी के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी अभी इसको आप साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए हैं जो कि मीडियम साइज के प्याज है इसको मैंने महीन महीन काट लिया है इनको मैंने महीन महीन काट लिया है ये इसमें डाल देंगे प्याज को आप कभी महीन काट करके डालें यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप पत्ता गोभी को महीन कद्दूकस करके ले सकते हैं उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा अभी यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्ची चार पांच लहसुन की कलिया और एक इंच अदरक के टुकड़े को मिक्सी के जार में डाल करके दरदरा पीस लिया है ये भी इसमें डाल देंगे इसी के साथ इसमें क्वाटर कप जितना धनिया डाल देंगे यदि आपके पास पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं उसका टेस्ट भी इसमें अच्छा आएगा अभी इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे हम ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे बहुत ही कम मसाले में बना करके तैयार करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे अभी मैंने एक टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स लिया है ये भी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल देंगे सिर्फ एक पिन जितनी हींग मैंने ली है और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें बहुत ही कम मसाले डाले जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी इसको हम साइड में रख देंगे और आपस आटे को देख लेते हैं इतनी देर में आटा भी हमारा अच्छे से सेट से हो गया है आटा काफी सॉफ्ट भी हो गया है अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसको हम गूंध गुन लेंगे गूंदने से आटा अच्छा स्मूथ हो जाता है अभी इसका हम एक लोई तोड़ लेंगे लोई आप अपने पसंद के हिसाब से बड़ा या छोटा ले सकते हैं इस तरह से मैंने लोई तोड़ करके तैयार किया है अभी इस लोई के ऊपर हम थोड़ा सा आटा लगा देंगे इस तरह से आटा लगा करके हम इसे बेल लेंगे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर मैंने हरे धनिया वगैरह डाले हैं इसे दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको ना तो ज्यादा पतला बेलना है न ही ज्यादा ज्यादा रखना है नॉर्मल हमें बेल करके तैयार करना है अभी जो मसाला हमने बनाया है ये इसमें डाल देंगे नमक डालने के बाद में मसाला को हमें ज्यादा देर तक नहीं रखना है फटाफट हमें बना करके तैयार करना है यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं पर आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें इस तरह से मैंने मसाले को तिकोना कर दिया है अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ लगा देंगे जिसे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा बच्चों को चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा पराठे बना करके यदि आप बच्चों के टिफिन में डालेंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होकर के खाएंगे काफ़ी लोग पराठे वगैरह बनाते हैं तो उनके पराठे फट जाते हैं पर इन पराठों के फटने के चांसेस जीरो होती है ये पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे अब इनको कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ एक साइड से आप इस तरह से उठाएं उठा करके आप इसके ऊपर लेकर के आ जाए मैं इसको तिकोना फोल्ड करना है दूसरी तरह से उठा करके आपको इसके ऊपर लेके आना है और हल्का सा दबा देना है इसी के साथ इस साइड से उठा करके भी हमें इसके ऊपर लगा देना है जिससे अच्छे से चिपक जाएगा अभी इसको हमें बेलने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले से इसको पतला बेल करके तैयार किया है अभी इसमें कोई तरह का झंझट नहीं है कोई बिगनर्स भी होता है वो भी आराम से बना करके तैयार कर लेगा इस साइड में हमारा तवा भी गर्म हो गया है अभी मैं आपको बता देती हूँ जिस साइड में हमने चिपकाया है वो वाली साइड को हमें तवे के ऊपर रखना है इस चीज का आप ध्यान रखें इस तरह से हम रख देंगे इस चीज का आप ध्यान रखें तवा गर्म होने के बाद में ही पराठा इसके ऊपर रखें ठंडा तवा पे नहीं रखें और मध्यम आंच में इसे हम पका करके तैयार करेंगे ज्यादा तेज आंच में नहीं पकाएंगे चीज डालना भी ऑप्शनल है यदि आपके पास चीज है तो आप डालें चीज की जगह पे आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं पनीर का टेस्ट भी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा मैं ये पराठा तेल के साथ में सेक रही हूँ आप चाहे तो घी या बटर किसी के साथ भी सेक सकते हैं अभी इसे उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे इस मसाले का आराम ये है इसे हमें कोई पकाना नहीं पड़ता है जिस कारण से इंस्टेंट मसाला बनकर के तैयार हो जाता है ये पराठा लगभग 10 से 15 मिनट बनकर के तैयार हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं पराठा दिखने में कितना सुंदर लग रहा है तो इस तरह के बीट रूट की चटनी के साथ में आप भी अपने घर में ये नए तरह का पराठा जरूर ट्राई करें फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर